अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड बढ़िया सी रेसिपी। और अख्तर बाजी है मेरे साथ। आज वीडियो में आपको बताएंगे अंडे पकाना, अंडे कैसे पकाए जाते हैं। अच्छा, अंडे बॉईल करना बताएंगे। अख्तर बाजी बताओ कितनी देर अंडे को उबालते हैं। पानी डालते हैं, दो अंडे रखते हैं, तो अख्तर बाजी आज जाने वाले हैं, है ना। आज जाने के चक्कर में अख्तर बाजी अच्छा कोई रोके या टोके कुछ भी करे जाने ही बोलते हैं ना, बहुत डेरिंग आ गई अख्तर बाजी को। तुअर की दाल चढ़ाती हूँ, चावल बनाती हूँ, छोले की फल्ली। पहले मसूर की दाल भी बहुत अच्छी लगती थी, मसूर की दाल चावल, है ना। तुअर की दाल, लहसुन की बघारी भी अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती। अख्तर बाजी ब्लैक टी पीते, सेहत का पूरा ख्याल रखते अपना। नहीं पहले से आया था, पहले मैं मालूम नहीं था कि सेहत अच्छी रही बुरी रही। अच्छा भी और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है ना मौसम का हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और बारिश हो रही है। कोई भी वक्त में कोई भी मौसम हो जाता है आजकल, है ना। नवंबर दिसंबर में ऐसा लग रहा है बिल्कुल वापस से जून आ गया करके। तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, इस तरह से मौसम बना हुआ है आज। यहाँ पे बन रही है भाजी मेथी की, उसमें डाली मैंने मटर, आलू और एक साइड दूध बॉईल हो रहा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चौलाई की फल्ली, है ना। चौलाई की फल्ली में आलू डाल के बनाऊंगी ये। क्या गिफ्ट में दही बड़ा नहीं, दही बड़े से रोटी में कम दाल ले लो उसमें से। अख्तरबाजी जा रहे अपने घर, अब कब आएंगे? अच्छा तो अब सीधा शादी के टाइम, शादी के टाइम, शादी के टाइम तो रानू का टाइम आ जाएगा ना, जब तक ले लो दाल। तुमको एक पे फ्री है, वो अपना खाओ। नहीं ज्यादा जाएंगे, कल खाना मत खाना, जमी को खिला देती हूँ। दही बड़ा अच्छा टेस्टी बनाना है, तो क्या डालेंगे ऊपर से? जीरा पाउडर और थोड़ी सी हीरोती मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, हाँ नमक, रेड चिली पाउडर बोलो, मिर्ची चटनी नहीं, पहले बोलो रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, वेरी गुड, मजा ले रहा है। मौसम बहुत सुहाना हो गया तुम्हारी यात्रा का, बारिश आने वाली, पेपर में दिया था पानी आने वाला है, पानी ठीक है बच्चा, अल्लाह हाफिज़।
अब हो गया नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे भी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही कूल कूल है। यहाँ पे मैं जो भी कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि सब्जी बहुत अच्छी बनती है आपके हाथ की, टेस्टी होती है, कुछ आप अलग मसाले डालते हैं, तो कुछ भी नहीं डालती हूँ मैंने, कहा ना जो भी कहूंगी सच कहूंगी। तो देखिए मैंने ये डाल दिया है कटी हुई प्याज, इसमें डाला है मैंने जीरा, और प्याज के साथ जो है ना हरी मिर्च फ्राई नहीं करूंगी मैं, डालूंगी इसे टमाटर के साथ। तो प्याज के साथ जाएंगी हरी, सॉरी टमाटर के साथ जाएगी हरी मिर्च, है ना, प्याज के साथ नहीं डाला है मैंने। और अब इस टमाटर के साथ मैं ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसी साथ डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कोई भी गर्म मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। और जब अच्छे से सब चीज़ फ्राई हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये कटी हुई सब्जियां इसमें ऐड कर दूंगी, है ना। तो ये है मेरे पास गोभी, बैंगन, और इसमें थोड़े से मटर है, आलू है, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये मेथी की भाजी ऐड करूंगी। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई, यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च, इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालूंगी, गरम मसाला कोई भी नहीं डालना है, बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आएगा जैसा मैं बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसमें पूरा वीडियो मैं नहीं ले पाई थी, मुजम्मिल को ना बीच में कुछ काम आ गया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 1 kg गोभी में, 2 teaspoon डाला है, और लाल मिर्ची पाउडर मैंने ज़्यादा इसमें डाला है, फोन बंद कर दो आपका, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और एक्स्ट्रा मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए डाल दिया इसमें मेथी की भाजी, है ना, मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वैसे ऑलरेडी माशाल्लाह मेथी की भाजी में बहुत खुशबू और बहुत सारा फ्लेवर टेस्ट होता है, तो मैंने हरा धनिया इसमें नहीं डाला है, और बढ़िया से इसे पकने देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे, जब तक बैंगन और गोभी गल जाए तो हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, तो बहुत टेस्टी होती है, मैंने कोई भी इसमें गर्म मसाला ऐड नहीं किया है। कटा ना? कटा। और डाल इधर उधर सफाई में हाथ। अरे मैंने बस ऐसा करी तो पता नहीं ऐसे जम के लग गया, और वो जो है ना जानते इसमें साफ वो लगा लेती, डिटॉल डालती है, लोहे का तार ही रहता वो, बैंडेड लाने जा रहा नहीं है, बहुत बांधूंगी, ठीक है, इनको भागने के बाद वो लगाओ डिटॉल या कुछ लोशन डालती हूँ। चलो ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे की उंगली कटी करके डालो। मुजम्मिल मुजम्मिल मेरा बहुत परेशान होता है, जरा सा कुछ हुआ जलन कर रही। चलो बस 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 थोड़ा सा डालो ना उंगली, डालो, जरूरी नहीं था कुछ, ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे की उंगली कटी है ना। बस ठीक है, आज ब्लॉग मैं ले रही हूँ, रीजा भाजी ब्लॉग ले रहे हैं, मुजम्मिल मेरी खिदमत कर रहे हैं, उंगली जो कटी है हो गया। अरे पूरी लड़कियां बोलेंगी इतने बेकार है, लाचे के चक्कर में वहां पहुंच गए, लाचे की बताएगी। आइए मैंने लगा दी इधर से। अरे मैं फ्रेंड से बात कर रहा था ना इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अरे तो गोलू उठा के अंदर ला सकते, बड़े नहीं हो रहे तो। वो असल में मैं क्लास ले रही थी, आए थे 5 मिनट के लिए, अभी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिया। तो यहाँ पर नौशीन जो है ना अपने घर के लिए निकल गए हैं, और जब नौशीन आते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, और मैं भी जाती हूँ ना तो नौशीन को बहुत खुशी होती है। तो बस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, और फ्रेंड्स मैं डेली व्लॉग अभी नहीं ला पा रही थी क्योंकि मुजम्मिल के एग्जाम शुरू है, तो पढ़ाई की वजह से वो बिज़ी थे, तो व्लॉग बनाना रोज़ मेरा पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए व्लॉग रोज़ नहीं आ रहे थे। तो इंशाल्लाह आगे व्लॉग आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।